नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 इम्पोर्टेंट रीजन शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्यों वर्डप्रेस यूज करना चाहिए। 8 इम्पोर्टेंट रीजन्स कि क्यों वर्डप्रेस जो है बिगिनर्स के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि वो क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपको वर्डप्रेस को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन है, वर्डप्रेस जो है वो फ्री और ओपन सोर्स सीएमएस है। जी हाँ, अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना चाहते हैं या अपना खुद का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस सीएमएस को यूज करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही ये ओपन सोर्स है, यानी कि अगर आपको डेवलपमेंट का नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, तो आप इसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ ही इसे पब्लिकली शेयर भी कर सकते हैं। ओपन सोर्स के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं इसको बताऊंगा आपको। तो देखा जाए तो वर्डप्रेस जो है बिल्कुल फ्री है। अगर आप इस सीएमएस को यूज करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा रीजन है, इजी टू लर्न एंड ह्यूज कम्युनिटी। वर्डप्रेस जो है सीखना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है। आप वर्डप्रेस का यूट्यूब वीडियो देखते हैं, अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे आप आसानी से सीख जाएंगे। और साथ ही इसका ह्यूज कम्युनिटी है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वर्डप्रेस वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में, आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो ऐसे में आप जो है इसके फोरम्स है, वहां पे जो है आप अपना सवाल, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और बहुत सारे वहां पे जो है वर्डप्रेस एक्सपर्ट, वर्डप्रेस डेवलपर जो है वो आपके सवालों का जवाब दे देंगे, जिससे कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तीसरा रीजन है, इजी टू मैनेज। वर्डप्रेस में अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो उसे मैनेज करना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, जितने भी यूट्यूब वीडियो हैं वो देख सकते हैं, ट्यूटोरियल्स वीडियो देख सकते हैं, साथ ही आप ट्यूटोरियल आर्टिकल पढ़ सकते हैं और उसकी मदद से आप आसानी से वर्डप्रेस सीख जाएंगे। तो वर्डप्रेस को मैनेज करना बहुत ही आसान है। इसके लिए अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं है अगर आपके पास, तो भी आप आसानी से अपने वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे चौथा जो रीजन है वो है, यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ वेबसाइट्स। वर्डप्रेस में जो है आप अलग अलग तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं, चाहे आप ब्लॉग्स बनाना चाहते हैं, पर्सनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ई लर्निंग साइट्स बनाना चाहते हैं, फोरम्स क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो हर तरीके के वेबसाइट जो है आप वर्डप्रेस में बना सकते हैं और वर्डप्रेस में इजीली बन भी जाता है। तो वर्डप्रेस में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो आप इजीली जो है जिस टाइप का भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस में जो है आप हर तरीके का वेबसाइट बना सकते हैं। पांचवा रीजन है, सपोर्ट्स न्यूमरस मीडिया टाइप। वर्डप्रेस जो है अलग अलग मीडिया टाइप को सपोर्ट करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। तो इस तरह के मीडिया टाइप को आप जो है वर्डप्रेस में अपलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने कंटेंट में, वर्डप्रेस वेबसाइट के कंटेंट में या ब्लॉग कंटेंट में इजिली यूज कर सकते हैं, उसे शो कर सकते हैं। छठा रीजन है, इजी टू कस्टमाइज एंड एक्सपैंड योर वेबसाइट विथ थीम्स एंड प्लगइन्स। वर्डप्रेस में जो है कस्टमाइजेशन बहुत ही आसान होता है। आप इजीली वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो हेडर को कस्टमाइज कर सकते हैं, हेडर के में जो भी आपको फॉन्ट दिख रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, हेडर में जो भी मेन्यू का कलर है, टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं, फुटर में आप विजेट ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं फुटर का, हेडर का, साथ ही आप साइड बार में विजेट ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा कस्टमाइजेशन जो है आप इजीली वर्डप्रेस में कर सकते हैं। साथ ही अगर आप वर्डप्रेस में कोई नया फीचर्स, फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप थीम्स का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे थीम में जो है एक्स्ट्रा फीचर, एडवांस फीचर दिए गए होते हैं, जिसको जैसे ही आप थीम इंस्टॉल करेंगे आप अपने वर्डप्रेस पैनल में और उसे एक्टिवेट करेंगे, तो वो फीचर्स जो है आपकी साइट के लिए इनेबल हो जाता है और उसे आप अपने साइट पे ऐड कर पाएंगे, दिखा पाएंगे। साथ ही
अगर आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई नया फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं और फंक्शनलिटी एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आप प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट में सोशल शेयर बटन दिखे तो आप उसके लिए प्लगइन्स का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ईमेल ऑप्टिन फॉर्म खुले और सब्सक्रिप्शन बॉक्स खुले तो उसके लिए भी आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं। तो प्लगइन्स का यूज करके आप अपने वेबसाइट को एक्सपैंड कर सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं। सातवां रीजन है एसईओ फ्रेंडली। वर्डप्रेस जो है वो बहुत ही ज्यादा एसईओ फ्रेंडली सीएमएस है, तो यहाँ पे जो है आप इसे और बेहतर बना सकते हैं एसईओ फ्रेंडली थीम यूज करके और साथ ही एसईओ प्लगइन यूज करके। आप चाहें तो योस्ट एसईओ प्लगइन या ऑल इन वन एसईओ प्लगइन, और प्रीमियम यूज करना चाहते हैं तो रैंक मैथ जो एसईओ प्लगइन है, इन सबका यूज कर सकते हैं और आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बेहतर एसईओ फ्रेंडली काम कर सकते हैं। आप अपने साइट को और एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। आठवां रीजन है फुल कंट्रोल ऑफ योर वेबसाइट। अगर आप wordpress.org में अपनी वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं तो वहां पे आपका आपकी वेबसाइट पे फुल कंट्रोल होता है, चाहे सोर्स कोड हो, फाइल हो, इमेजेस हो, मीडिया फाइल्स हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो जो आपने अपलोड कराई है अपनी वेबसाइट पे, या डाटाबेस हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। साथ ही जो थीम्स आपने इंस्टॉल किया है, जो प्लगइन आपने इंस्टॉल किया है, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। तो आप चाहें तो किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि देखा जाए तो ओवरऑल जो है वर्डप्रेस में साइट बनाने पे फुल कंट्रोल आपकी साइट पे आपका होता है। तो इसके अलावा जो है मैं एक एक्स्ट्रा रीजन शेयर करूंगा कि क्यों आपको वर्डप्रेस यूज करना चाहिए, वो है कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट। वर्डप्रेस के जो डिवेलपर्स हैं वो कंटिन्यूअसली वर्डप्रेस को अपडेट करते रहते हैं और उसमें एक्स्ट्रा फीचर सिक्योरिटी इन्हांसमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप वर्डप्रेस को यूज करते हैं तो आप नए नए फीचर और सिक्योरिटी को यूज कर पाएंगे और नया एडवांस जो फीचर्स है वो आप यूज कर पाएंगे विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। तो इस तरीके से आपका वेबसाइट जो है लेटेस्ट जो भी कोडिंग स्किल्स है और लेटेस्ट सिक्योरिटी फीचर्स है या नए फीचर्स हैं जैसे कि वर्डप्रेस जो अपडेट करता रहता है वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे अपडेट हो जाएगा जैसे ही आप वर्डप्रेस को अपडेट करेंगे। तो गाइज ये रीजंस है जिसकी वजह से एक बिगिनर्स या फिर एक प्रोफेशनल ब्लॉगर को वर्डप्रेस यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।